राधे राधे, प्राण धन राधा माधव लाल जी के सुपार। आज हम जानेंगे कि दीपावली पे ठाकुर जी का सेवा क्रम क्या हो और वहाँ की प्रणाली का क्या है। तो विशेष होगा आज अपने लाल जी बड़ा सुबह जल्दी उठकर सुगंधित पदार्थों से अभ्यंग करके श्रृंगार धारण करके खिरक में पधारते हैं और अपनी गैयों का खूब श्रृंगार करते हैं, उनको खूब खिलाते हैं। ठाकुर जी ने कई बार कहा है कि गैया ही उनके इष्ट है। या भाव से श्री जी का सेवा क्रम प्रकार का कि उत्सव होने के कारण मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ कि ठाकुर जी की दहलीज को हल्दी से लीपी जाती है और आशा पल की बंदलवाल बांधी जाती है। प्रातः 4 के आसपास मंगला शंखनाद होता है और लगभग 4:45 बजे मंगला दर्शन ठाकुर जी के खुलते हैं। मंगला दर्शन के बाद ठाकुर जी को चंदन, आंवला एवं फुलेल, जिसे सुगंधित तेल खेलो, मुझे बहुत लोगों ने पूछा ये फुलेल सिद्ध कैसे करें, होपफुली आगे के वीडियो में हम बताएंगे, और से अभयंग कराया जाता है। मतलब वो पूरा वीडियो अभयंग को डेडिकेट करके बनाएंगे। श्री जी को नियम के लाल सलीदार जरी की सूतन, पुलक शाही श्वेत जरी की चोली और चाकदार वागा एवं श्री मस्तक पर जरी की कुल्हे के ऊपर 5 मोरपंख की चंद्रिका का जोड़ धराया जाता है। तो आप सबको पता होगा सूथन क्या होता है। ठाकुर जी को लाल जरी की सूथन होगी और पुलक शाही श्वेत जरी का ठाकुर जी को चोली होगी, चाकदार वही वागा होगा और श्री मस्तक पर जरी की कुल्हे के 5 ये जोड़ आप देख रहे हो ऐसा धराया जाएगा। और आपको पता होगा कि कार्तिक कृष्ण दशमी से कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा मतलब अन्नकूट महोत्सव तक 7 दिन श्री जी को अन्नकूट के लिए सिद्ध की जा रही विशेष सामग्री गोपीजन भोग में भी आरोगाई जाती है। मैंने हटरी वाले वीडियो में बताया था ये सामग्रियां कल अन्नकूट उत्सव पर भी आरोगाई जाएंगी। इस श्रृंखला में आज विशेष रूप से श्री जी को गोपीजन वल्लभ भोग में दीवला और दूध घर में स्थित की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी आरोगाई जाएगी। आज राजभोग आरती के पश्चात पूज्य तिलकायत अन्नकूट महोत्सव के लिए चावल पधराने जाते हैं। अन्नकूट में विशेष चावल का भोग होता है ना, तो वो आज ही सिद्ध होते हैं। उनके साथ चिरंजीव विशाल बाबा, श्री जी के मुखिया जी और अन्य श्री जी के सेवक भी खासा श्री जी के खासा भंडार में जाकर टोकरियों में भरकर चावल भीतर की परिक्रमा में स्थित अन्नकूट के रसोई में जाकर पधराते हैं। उसके बाद नगरवासी व अन्य वैष्णव भी अपने चावल अन्नकूट के रसोई के लिए जिनको जो सेवा देनी है वो वहां पे प्रारंभ होती है। आज श्री जी में राजभोग दर्शन के बाद कोई दर्शन बाहर नहीं खोले जाते। भोग समय टीका के स्थान पर बीज चालनी के सूखे मेवे आरोगाए जाते हैं। आरती समय आरोगाए जाने वाले ठोड़ के स्थान पर गेहूं के पाटिया के बड़े लड्डू आरोगाए जाते हैं। श्री नवनीत प्रियाजू में के श्याम नवनीत प्रियाजू में श्याम में कान जगाई के वे शयन समय रतन चौक में हटरी के दर्शन होते हैं। कान जगाई में देखिए, कान जगाई में ठाकुर जी को विशेष कान जगाई के अंदर ठाकुर जी को श्री नवनीत प्रिया जी को कान जगाई होती है। कान जगाई में संध्या समय गौशाला से इतनी गाय लाई जाती है कि गोवर्धन पूजा का चौक भर जाए। यही चौक में ही गोवर्धन पूजा होती है और चौक भर जाया जाता है। गाय, मोर पंख, गले में घंटियां और पैरों में घुंघरुओं से सुशोभित और श्रृंगारित होती हैं। उनकी पीठ पर मेहंदी, कुमकुम के छापे वे सुंदर आकृतियां बनी होती हैं। बाल बाल भी सुंदर वस्त्रों में गायों को रिझाते खिलाते गाय उनके पीछे दौड़ती हैं, जिससे प्रभु भक्त नगरवासी और वैष्णव आनंद लेते हैं। गोधूली बेला में शयन समय कान जगाई होती है। श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर से लेकर
सूरज पोल करके वहाँ एक स्थान है कि सभी सीढ़ियों पर विभिन्न रंगों की चालनियों से रंगोली छाटी जाती है। सूरज पोल वही है जहाँ 9 सीढ़ियाँ हैं नवदा भक्ति रूप से, वहाँ सूरज पोल है, वो जो एंट्रेंस है उसे सूरज पोल कहा जाता है। वो विभिन्न, देखिए आप देख सकते हैं, विभिन्न रंगों की चालनियों से रंगोली जैसे सुंदर सजाई जाती है। श्री नवनीत प्रिया जी शयन भोग आरोप कर चांदी की खुली सुखपाल में विराजमान। सुखपाल का अर्थ है बग्गी। उनका शयन भोग होने के बाद चांदी की बग्गी में विराज कर कीर्तनियों के कीर्तन मधुर सुरीलियों के मध्य गोवर्धन पूजा के चौक में सूरज पोल की सीढ़ियों में एक चौकी पर विराजते हैं। प्रभु को विशेष रूप से दूधघर में सिद्ध केशर मिश्रित दूध की चपटिकियां मटकी का आरोगाई जाती है। मुझसे कई वैष्णवों ने बहुत बार पूछा कि आप श्री जी के यहाँ तो इतने सारे भोगों का वर्णन करते हो, वैष्णव घरों में क्या हो? तो वैष्णव घरों में आज्ञा है, वहां उन भोगों के स्थान पर कोई विशेष भोग आपसे सिद्ध हो, वो अथवा दूध घर का कोई भी मिष्ठान आप आरोगा सकते हो। बाकी तो अपने अपने घर की रीत है। क्षमा कीजिएगा, ठाकुर जी को विशेष रूप से ये भोग आरोगाया जाता है। चिरंजीवी श्री विशाल बाबा कान जगाई के दौरान प्रभु को शिरारहित पान की बीड़ा आरोगाते हैं। श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी के कीर्तनिया कीर्तन करते हैं, वे झालर घंटा बजाए जाते हैं। पूज्य श्री त्रिलकायत महाराज गायों का पूजन कर तिलक अक्षत कर लड्डू का प्रसाद खिलाते हैं। गौशाला के बड़े ग्वाल को भी प्रसाद दिया जाता है। तत्पश्चात पूज्य श्री तिलकायत नंदवंश की मुख्य गाय को आमंत्रण देते हुए कान में कहते हैं, कल प्रातः गोवर्धन पूजन के समय गोवर्धन को गूंधने को जल्दी पधारना। ठाकुर खुद कहे, गैया मोरे गोवर्धन को तू कल रौंदने जल्दी आई। तो गायों के कान में आमंत्रण देने की इस रीत को कान जगाई कहते हैं। प्रभु स्वयं गायों को आमंत्रण देते हैं, ऐसा भाव है। इसके अलावा कान जगाई का एक और विशिष्ट भाव है कि गाय के कान में इंद्र का वास होता है और प्रभु कान जगाई के द्वारा उनको कहते हैं, हम श्री गिरिराज जी को कल अन्नकूट आरोगाएंगे। आपको नहीं तो आप, ये सूतक है, उनको संकेत करते हैं, क्योंकि इसका भाव में इंद्र का मानभंग लीला भी है। सभी पुष्टि मार्गी मंदिरों में अन्नकूट के दिन एक दिन पूर्व गायों की कान जगाई की जाती है। सारस्वत कल्प में श्री ठाकुर जी ने जब श्री गिरिराज जी को अन्नकूट आरोगाया था तब भी इसी प्रकार कान जगाई की थी। श्री ठाकुर जी नंदराय जी एवं सभी ग्वाल बाल अपनी गायों को श्रृंगारित कर श्री गिरिराज जी के सन्मुख ले आए। श्री नंदन नंदन की आज्ञा अनुसार श्री गिरिराज जी को दूध की मटकियों का भोग रखा गया और बीड़ा आरोगाया गया। श्री गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा से गाय का पूजन कराया था। तब श्री ठाकुर जी और नंद बाबा ने एक एक गाय के कान में अगले दिन गोवर्धन पूजन हेतु पधारने का आमंत्रण दिया। इस प्रसंग पर अष्ट सखियों ने कई सुंदर कीर्तन गाए हैं, अष्ट सखाओं ने कई सुंदर कीर्तन गाए हैं, पर समय का थोड़ा सा है इसीलिए हम फिर कभी बताएंगे। श्री जी के शयन के दर्शन बाहर नहीं खुलते हैं। शयन समय श्री नवनीत प्रिया जी रतन चौक में हटरी में विराजित को दर्शन देते हैं। हटरी में विराजित होने का भाव मैंने आपको पहले भी कहा था कि ठाकुर जी हाट लगाने के भाव से, दुकानदार के भाव से विराजते हैं, पर ये कोई सामान्य लौकिक दुकानदार नहीं है, ये तो ठाकुर जी पारलौकिक दुकानदार है। और ठाकुर जी मिठाइयों के खिलौने आदि विक्रय कर उससे धन एकत्रित कर अगले दिन अपने गिरिराज को अन्नकूट का भोग आरोगेंगे, ये भाव है। रात्रि लगभग 9 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं
और दर्शन उपरांशी नवनीत प्रिया जी श्री जी में पधारकर संग विराजते हैं। श्री गोसाई जी उनके साथ सभी सात लाल जी वे तत्कालीन परचारक महाराज के भाव से नौ आरती होती है। श्री गोसाई जी वे श्री गिरधर जी की आरती स्वयं श्री तिलकायत महाराज करते हैं। अन्य ग्रहों के बालक यदि उपस्थित हों तो वे भी श्री तिलकायत की आज्ञा लेकर संबंधित ग्रह की आरती करते हैं और अन्य की उपस्थिति न होने पर स्वयं तिलकायत महाराज आरती करते हैं। काका वल्लभ जी की आरती श्री जी के वर्तमान प्रचारक महाराज गोस्वामी चिरंजीव श्री विशाल बाबा करते हैं। आज श्री जी में शयन पश्चात पोड़ावे वे मान के पद नहीं गाए जाते, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये शरद ऋतु में शरद पूर्णिमा पे भी नहीं गाए जाते, आज भी नहीं गाए जाते। दिवाली की रात्रि समय उपरांत श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी प्रभु लीलात्मक भाव से गोप सखाओं श्री स्वामिनी जी सखी जनों सहित अरस परस बैठे चौपड़ खेलते हैं। ये देखिए चौपड़ का ये भाव करके चौपड़ खेलते हैं, ये भाव रखा जाता है और इसी की भावात्मक सुंदर साज सज्जा की जाती है। दीप इस प्रकार जलाए जाते हैं प्रभु के श्री मुख पर उनकी चकाचौंध नहीं पड़े, इस भावात्मक साज सज्जा को मंगला के पूर्व बढ़ा कर दिया जाता है। और इसी भाव से दिवाली की रात्रि प्रभु के श्रृंगार बड़े नहीं किए जाते और रात्रि अनुसर भी हल्के श्रृंगार सहित ही होते हैं। अब ठाकुर जी का कीर्तन जो उस दिन आता है, जो वो सारे अन्नकूट के भाव के हैं कि गुड़ के गुंजा हुआ सुहारी गोधन पूजत ब्रज के नारी गोधन पूजत ब्रज की नारी। आज ठाकुर जी के साज में नित्य लीलास्थित गोस्वामी श्री दाऊ जी महाराज का कृत जड़ाऊ की श्याम अधरा व्रस्त पर कुंडों में वृक्षावली एवं पुष्प लताओं के मोती के सुंदर जरदोजी के काम वाली पिछवाई धराई जाती है। देख सकते हो आप काले रंग की जरदोजी पे जरी हीरे मोती इन सब की पिछवाई धराई जाती है। तकिया जड़ाऊ एवं चरण चौकी पर लाल रंग की मखमल की बिछावट की जाती है। वस्त्र श्री जी को आज लाल सलीदार जरी का सूतन, पुलक शाही श्वेत जरी के रुपैली जरी की तुई की किनारे जो मैंने ऊपर वर्णन किया था, चाकदार वागा और जो ठाड़े वस्त्र हैं वो अमरसी रंग के होते हैं धराए जाते हैं। श्री जी को आज वनमाला चन्नार बिंद तक तीन जोड़ी माणक हीरा माणक व पन्ना इस भाव से ये तीन जोड़ी मिला के ठाकुर जी को स्वर्ण के अंदर धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर मैंने आपको बताया है कि तरी की पाग में पांच मोर पंख धराए जाते हैं और पीठिका के ऊपर आप देख सकते हैं ये ठाकुर जी के प्राचीन हीरे का जड़ाव चौखट धराया जाता है और श्री कंठ में विशेष रूप से बाघ नखा धराया जाता है। ठाकुर जी को गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की सुंदर वरमाला धराई जाती है। श्री हस्त में कमल छड़ी हीरा के वेणु जी एवं दो वित्री जी धराए जाते हैं और ऐसा श्री जी का सुंदर श्रृंगार होता है। इसी भाव के साथ आपकी हृदय प्रेम प्रभु को मेरा प्रणाम और राधे राधे।